पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत चिंताजनक है। जीडीपी का 5 फीसदी पार पहुंच जाना इस बात का संकेत है कि हम एक लंबी मंदी के भंवर में फंस चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता है, लेकिन मोदी सरकार के कुप्रबंधन ने देश की अर्थव्यवस्था को मंदी में ढकेल दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था अब तक नोटबंदी और जीएसटी जैसे मानवीय कुप्रबंधन से उबर नहीं पाई है और भारतीय अर्थव्यवस्था इन दिनों मंदी की मार से जूझ रही है। पिछली तिमाही में भारत की विकास दर 5% रही थी, जो दिखाती है कि भारत मंदी के जंजाल में फंस गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 0.6 रही। पूर्व पीएम ने कहा कि घरेलू मांग में निराशा साफ नजर आ रही है और खपत में वृद्धि 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। नॉमिनल जीडीपी 15 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कर राजस्व में भारी कमी है। मनमोहन सिंह ने कहा कि निवेशकों में भारी उदासीनता है और ये आर्थिक सुधार की नींव नहीं है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी टुडे इज डीपली वरिंग। द लास्ट क्वार्टर्स जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 5% सिग्नल्स दैट वी आर in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%. This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetization and a hastily implemented GST.